गोरखपुर में गुरुवार को भी कार्तिक शुक्ल द्वितीया व यम द्वितीया तिथि पर भैयादूज अन्नकूट बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। यम को खुश करने के लिए बहनों ने पूजा की, वहीं व्रती महिलाओं ने सुबह स्नान करने के बाद पहले अक्षत चावल से गणेश आदि की स्थापना की। इसके बाद गणेश पूजन, यम फिर यम दूतों का पूजन किया। पूजन के लिए गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत भी बनाया गया। पूजन करने आई महिलाओं ने बताया कि भाई दूज का पर्व भाई बहनों के पवित्र प्यार का पर्व है। इस दिन बहनों के द्वारा भाई के उज्जवल भविष्य एवं उनके दीर्घायु होने के लिए वह गोवर्धन की पूजा करती हैं। उन्होंने कहा कि सुबह से ही बहनों के द्वारा भाइयों को श्राप दिया जाता है। इसके बाद हम लोग पूजा अर्चना कर गोधन कूटते हैं। गोधन पूजा में गोबर से चौकोर आकृति बनाई जाती है, जिसमें यमलोक के प्राणियों की प्रतिमूर्ति भी बनाई जाती है। ऐसा करने से यम भाग खड़े होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी कुटाई करने से यमलोक के निवासी यम भाग खड़े होते हैं। यम की कुटाई करने के बाद मूसल को रखकर भाई को पार कराते हैं और उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद देते हैं। भाई दूज में अपने भाइयों को चना, लौंग, इलायची और सुपारी प्रसाद के रूप में खिलाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गोवर्धन पूजा करने आई गीतांजलि, नेहा गुप्ता एवं श्वेता चौहान ने कहा। सरता चौहान, आज के दिन भाई के लंबी उम्र के लिए पूजा की जाती है। इसमें भाई बहन का एक प्यार है, महत्व है। किस तरह की पूजा करते हैं, क्या क्या इसमें लगता है, पूरा क्या किस विधि विधान से पूजा करते हैं? ये सुबह से हम लोग व्रत रहते हैं, कुलिया ले आते हैं पांच तरह का, सब में चावल, लाव, भूजा, चना, सरसों सब भरते हैं, मिठाई लेते हैं, काटा पुसा लेते हैं, ले करके पूजा किया जाता है। भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा किया जाता है। पान कसैली पूजा जाता है जी, पान कसैली पूजते हैं इसको भाई को खिलाने के लिए कि भाई हमारा खाएगा और उसकी लंबी आयु होगी। मेरा नाम गीतांजलि है। गोवर्धन की जा रही है, भैया दूज भाई के लिए ही होता है। बहनें रहती हैं, अपना गोबर से अपना बनाती हैं, फिर अपना कहानी होता है, फिर आयु जोड़ा जाता है, फिर पान सुपारी जो होता है, पान सुपारी चना कूट कर खिलाया जाता है भाई को, और मिठाई ही है जो भी हो। क्या महत्व होता है इसके लिए? महत्व ये होता है कि भाई की लंबी उम्र के लिए लोग रहते हैं व्रत। नेहा गुप्ता, यहाँ पे गोवर्धन बाबा जी की पूजा की जा रही है। किस भी देवी धाम से ये पूजा करें, क्या इसमें लगता है? इसमें काटा कुशा और मिठाइयाँ, फूल माला ये सब, बस भाई की पूजा होती है भाई की लंबी उम्र के लिए। क्या महत्व होता है, क्या मान्यता होती है? इससे ये होता है कि पूजा से बहन अपने भाई के लिए व्रत रहती है लंबी उम्र के लिए, ये महत्व है।